अफगानिस्तान में आखिर वही हुआ जिसका डर था। तालिबान काबुल तक जा पहुंचा और अफगान सरकार के सामने देश छोड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद 4 मई को तालिबान की तरफ से पहली बार हमले की खबर आई थी। इसके बाद 15 अगस्त को यानी 103 दिनों में तालिबान ने अफगान सरकार को घुटनों पर ला दिया। 14 अप्रैल को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया था कि वो अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला लेंगे। बताया गया था कि 1 मई से 11 सितंबर के बीच सैनिकों की पूरी तरह से वापसी हो जाएगी। बता दें, इससे पहले तालिबान और अमेरिका के बीच हुई शांति वार्ता में 1 मई की तारीख तय हुई थी, जिसे बाइडेन ने आगे बढ़ाया था। 1 मई से अमेरिका के सैनिकों की वापसी शुरू होते ही 4 मई तक तालिबान हरकत में आ गया। उसने हेलमंद के साथ 6 दूसरे प्रांतों पर अफगान फोर्स पर हमले करके अपने नापाक इरादे जता दिए। इसके बाद अब अमेरिका ने काबुल में मौजूद अपने दूतावास से राजनयिकों को बाहर निकालना शुरू कर दिया है। अमेरिकी सरकार ने दूतावास और काबुल एयरपोर्ट पर सुरक्षा के लिए कई सैन्य टुकड़ियां भी भेजी हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि मौजूदा कमांडर के जरिए दोहा में मौजूद तालिबान के प्रतिनिधियों तक ये बात पहुंचा दी गई है कि अफगानिस्तान की जमीन पर उनकी किसी हरकत से अगर अमेरिकी नागरिकों या फिर अमेरिकी दूतावास को नुकसान पहुंचा तो अमेरिका तुरंत सैन्य कार्रवाई करेगा। पिछले एक हफ्ते में तालिबान ने अफगानिस्तान में बहुत तेजी से पांव पसारे हैं। एक एक कर सभी बड़े प्रांतों पर तालिबान का कब्जा होता चला गया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने 30 दिन से 90 दिन के भीतर तालिबान के कब्जे की आशंका जताई थी, लेकिन महज 2 दिन के अंदर ही तालिबान काबुल पहुंच गया और अशरफ गनी को सत्ता से उतारकर हुकूमत अपने नाम कर ली। तो आपको कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।